नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते यह अपने करंट अफेयर की सैकंड क्लास है। इस तो पहले एक क्लास तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी थी जिस विच काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। जो नहीं देखी तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन में तुम्हें लिंक दे देंगे, उत्थे जाके तुम उस वीडियो में देख सकते हो। तो दोस्तों इन्ना जी भी सीरीज अपनी चली जाती उस आप जनवरी तो लैके आल फरवरी की जी भी करंट अफेयर आप चार या पाँच क्लासों में मतलब कवर कर लेंगे। तो सारे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, तो करके नाल दी नाल इसनूं राइट डाउन कर लो। एंड जे वीडियो बेनीफिशियल लगे तो वीडियो में लाइक तो एक प्यारा जिहा कमेंट भी जरूर कर दो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, भारत का पहला राज जो पूरी तरह एल पी जी निर्भर धुआं रहित केंद्र मुक्त बन गया है, मतलब कि भारत का कोई राज्य है जिहड़ा कि पूरी तरह उत्थे एल पी जी यूज़ होने लगी है, उत्थे अग बाल के भोजन पकाने की प्रक्रिया से जिहड़ी वह खत्म हो चुकी है। इट्स मीन की है धुआं मुक्त खेत्र वह हो चुका है। तो वह कि राज्य है ऑप्शन नीचे है, जो तुम्हें पता है तो वीडियो में कमेंट कर दौ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जोड़ा होगा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो कुछ मेन पॉइंट की गल करिए, हिमाचल प्रदेश का कई बार मुख्यमंत्री बारे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर तुम याद रखो। तो हिमाचल प्रदेश की जी राजधानी है वह कि है धर्मशाला, इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, 2022 भारत का किहड़ा राज ने हाई कोर्ट नूं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेपरलैस घोषित कर दिता, मतलब कि 2022 भारत की जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट इसने नोटिफिकेशन जारी किया कि इस राज्य का जिहड़ा कि हाई कोर्ट है वह पेपरलैस हो चुका है। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा केरल का जिहड़ा हाई कोर्ट है इसनों पेपर लैस यानी कागज़ रहित है जिहड़ा, बे कागज़ यूज़ नहीं हुंदा इस हाई कोर्ट विच, केरल दे हाई कोर्ट विच यह नोटिफिकेशन जारी किया है इंडिया दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुछ मेन पॉइंट नोट कर लो, एग्जाम विच बनते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन कि केरल का मुख्यमंत्री कौन है जां केरल दी राजधानी कीड़ी है। तो केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, इस तों इलावा इसकी जिहड़ी राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम इसकी राजधानी है। ओके, केरल की। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, भारत सरकार ने 99 तेल टैंक बनाने का फैसला लिया है डैश गुआढ़ी देश नाल, मतलब कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिस दे तहत वह 99 तेल दे जिहड़े टैंक ने पेट्रोल दे कुएं ने वह बनवाएगा अपने गुआढ़ी देश विच। तो वह गुआढ़ी देश कहड़ा है, वह बांग्लादेश विच इह इन्हां दी एक मीटिंग हुई है। तो भारत सरकार ने कहा कि असी सॉरी यह बांग्लादेश नहीं है, यही गलत हो जो यह श्रीलंका है। श्रीलंका विच भारत सरकार ने फैसला लिया कि श्रीलंका विच 99 तेल दे कुए है जिहड़े वह बनवा के देवेगा, तां जो श्रीलंका की जो हाले अपन न्यूज़ सुनी होगी जिहड़ी कि अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी सी उस विच सुधार आ सके। तो श्रीलंका के अकॉर्डिंग कुछ मेन पॉइंट ने इत्थे जिहड़ा प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे उसका नाम है, तो श्रीलंका की जिहड़ी राजधानी वह जवैरदनपुरा कोटे इसकी राजधानी है। याद रखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार करंसी भी पूछ ली जाती है किसी भी कंट्री की, तो कई बार किसी भी कंट्री का जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट भी पूछ लिया जाता, तो उसकी राजधानी भी पूछ ली जाती है। ओके दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो बेनीफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कराया करो। जो तुम वीडियो में लाइक तो कमेंट कर दो, मैं की फील हों, मैं मोटीवेट फील हों, फिर मेरा होर मन करता है कि तुम्हें वधिया वधिया वीडियोज़ प्रोवाइड कराव जिस तुम देख के एंड राइट डाउन करके अपना एग्जाम क्वालीफाई कर लो। रिक्वेस्ट है लाइक वीडियो में, तो एक कमेंट कुछ भी लिख दिया करो कमेंट में, चाहे यार गाला कट दिया करो, है ना। जो पसंद आए तो चंगी चीज़ लिख दिया करो, जो नहीं पसंद आए तो गाला कट दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक तो कमेंट जरूर करो। हूँ नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, भारत ने बीजिंग सर्दियों दिया ओलंपिक खेडों का बाइकाट कर दिता डैश चीन का मुद्दे कारण। बीजिंग कितने है? चीन विच है। बीजिंग है जिहड़े कि विंटर ओलंपिक खेड करवा रही है, ठीक है। तो भारत ने की किया भी इस दे अगेंस्ट हो गए भी असी नहीं थोड़ी गेमों में हिस्सा लेंगे, तो कि रीज़न करके भारत ने कहा कि असी थोड़े गेमों में ओलंपिक गेमों में हिस्सा नहीं लेंगे। वो गलवान घाटी मुद्दा से जिस विच की होया सी, चीनी जिहड़ी फौज सी उसने अपनी भारत का हिस्सा गलवान घाटी का हिस्सा से अद्धा भारत विच अद्धा चीन विच उसते नजायज कब्जा करने की कोशिश की। इस मुख रखते हुए भारत ने की फैसला लिया कि
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੀਜਿੰਗ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਉ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਉ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਯੁਆਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਯੁਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਗਤਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਐਡੀਡਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਇਕੀ ਦੀ, ਨਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਟਿੱਕ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ, ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੜਕਾ ਵੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੇਬ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਗਤਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਸ਼ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਐਟਲਸ, ਯਾਨੀ ਵਰਡ ਐਟਲਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਐਟਲਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਵਰਡ ਐਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲੀ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ, ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ ਹੀ ਬਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਜੋ ਜਿਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਡੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ 'ਤੇ? ਇਹ ਗਈ ਸੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦੱਖਣੀ ਧਰੂਵ ਦੇ। ਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 1123 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਅਮੈਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਮੈਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦੀ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਇਸ ਦੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ 1905 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
किसी भी बैंक बारे पूछ रहे हैं जी, बैंक की स्थापना कदों हुई सी, जां इसका वो चेयरमैन कौन सी, मतलब कि फाउंडर कौन सी बैंक का, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो यह भी याद रख लियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गल करिए, ग्लोबल इंडेक्स 2022 के अनुसार भारतीय हवाई अड्डा वर्ल्ड 40 के 10 मशहूर हवाई अड्डों में शामिल है, मतलब कि भारत का कोई हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, जो पूरे संसार के मशहूर 10 जिहड़े एयरपोर्ट्स ने उन्होंने विचों एक नंबर हासिल किया हुआ है। ठीक है, तो वह कि है वह चेन्नई हवाई अड्डा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चेन्नई चेन्नई हवाई अड्डा जोड़ा यह 8 फरवरी 1978 ईस्वी में बनाया गया से। तो एक गल होर, जिहड़ा यह रैंक है इन्हें 10 जो वर्ल्ड के 10 फेमस हवाई अड्डे ने उन्होंने चेन्नई का किन्नावा रैंक है, 8वां रैंक है। ठीक है, 8वें नंबर पर है, मतलब कि टॉप 10 में आता है चेन्नई का हवाई अड्डा। इस तो बाद नैक्सट गल करिए, समुद्री अजगर यानी सी ड्रैगन, सी ड्रैगन है मेन तो एग्जाम यही आएगा, यह पंजाबी कन्वर्ट करके समुद्री ड्रैगन बन जाता है, बट एग्जाम की पूछा जा सकता है, सी ड्रैगन एक सैनिक युद्ध अभियान है। सैनिक युद्ध अभियान दोस्तों की होंगे, सारी कंट्रियां का एक मतलब कि कंपटीशन होंगे, सेना का कंपटीशन होंगे, वो चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, या जल सेना हो, इस विच कि अपने जो भी हथियार ने वो टैसट करते हैं, जो टैसट ना करे है ना पे रहे तो ओबियस यूजलैस हो जाएंगे, वह तो यूजलैस हो गए, हूँ जो जंग छिड़ गई की पता हूँ चले या ना चले, इस करके ये सैनिक युद्ध अभियान अभ्यास किया जाता है, तो जो जो अपने वैपनस ने हथियार ने उन्हों का परीक्षण भी हों रहे। ठीक है, तो इस अभियान में किन्ने देशों ने शामिल लिया से भाग लिया से, तो याद रखो सी ड्रैगन जिहड़ा कि है अपना जल सेना अभियान है, सब तो पहला तो यह याद रखो सी ड्रैगन है जल जी अपनी समुद्री सेना होंगी है ना उस दे नाल रिलेटेड है यह। तो इस विच किन्ने देशों ने हिस्सा लिया, तो टोटल 6 देशों ने यह यानी सैनिक शुद्ध युद्ध अभियान जोड़ा अभ्यास किया। ठीक है, तो यह जोड़े 6 राज्य ने, अमरीका की सेना से जिस भारत की, आस्ट्रेलिया की, कैनेडा की, जापान तो दक्षिणी कोरिया की। ठीक है, इस बाद नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, संघाई संयोग संयोग नहीं यह सहयोग है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन जिसकी शॉर्ट फॉर्म की है SCO, ठीक है, का नवा महासचिव कौन बनाया है, तो उसका जो नवा बनया है महासचिव उसका नाम क्या है, जांग मिग, सॉरी यह जाग जांग मिंग इस तरह कोई चाइनीज़ है, जोंग मिंग है इस तरह नाम है, तो तुम लिख लियो JHOYNGH जोंग MIGHY। ठीक है, जोंग मिग लिख लियो, तो यह बनया नवा मास विच। ठीक है, इस संगठन में कितने देश शामिल ने, याद रखो SCO 8 देश शामिल ने, ज़्यादातर तुहाडे तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि SCO कितने देश शामिल। ठीक है, जिस स्थापना भी पूछी जा सकती, इसकी स्थापना 15 जून 2021 में हुई सी, जी SCO है यह संघाई संयोग गठन है, यह 15 जून 2001 जोड़ा ये बनाई गई सी, तो इसका हैडक्वाटर कितने है, चीन विच बीजिंग शहर विच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नैक्सट की गल करिए, पंजाब नैशनल बैंक के नवे MD, उस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो अगर याद रखो नवे MD तो नवे CO का नाम, मोस्टली CO पूछे जाते हैं, MD नहीं पूछे जाते, तो CO का जोड़ा नाम है मेन जो पंजाब नैशनल बैंक के नवे CO का नाम, वह अतुल कुमार गोयल है। ठीक है, याद रखो अतुल कुमार गोयल है, तो जिहड़े मर्जर सिस्टम होया से उस विच की होया सी, OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक है जोड़ा वह पंजाब नैशनल विच मर्ज किए कर दिए गए थे। ठीक है, हूँ OBC बैंक तो यूनाइटेड बैंक है जोड़ा ये पंजाब नैशनल बैंक के नाम नाल ही जाने जाते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो चंगी तरह याद कर लो, बुक बारे भी पूछा जाता है कि बुक किहड़े राइटर द्वारा लिखी गई है, तो ममता बिहोंड 2022 नामक बुक है, यह बुक है, बुक का नाम है ममता बिहोंड, तो यह किताब किसने लिखी सी, यह बुक लिखी सी ऑप्शन नंबर डी जयंत गोयल ने लिखी सी, तो ममता बनर्जी बारे तुम्हें पता ही होगा, यह पच्छमी बंगाल की जिहड़ी मुख्यमंत्री है, तो मैं कहना एक नंबर दी लेडी है यह, मतलब बढ़िया, यह कम तो कम जिथे तक मैनू नॉलेज है लगातार यह 15 साल तो जिहड़ा पच्छमी बंगाल पर राज कर रही है, तो नरेंद्र मोदी भी इसनों हरा नहीं सके,
देख सकते हो किन्नी प्रसिद्ध है ना शख्सियत है जो जिहदी सरकार कदे भी पश्चिमी बंगाल विचों हटी नहीं। लगभग 15 साल तो ममता बनर्जी ही पश्चिमी बंगाल विच छाई हुई है। ठीक है, ये पश्चिमी बंगाल की राजधानी की गल करिए कोलकाता इसकी राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कदों मनाया जाता है? तो यह कदों मनाया जाता है, इस साल भी मनाया गया सी, इस साल कदों मनाया गया सी, 6 जनवरी 2022 में मनाया गया सी। तो डेट याद रखियो, 6 जनवरी में हर साल विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया, युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह मतलब की है इस दोस्तों, ऑल वर्ल्ड विच की स्कीम चली हुई है भी जिहड़े भी सैनिक ने युद्ध विच मारे जाते हैं उन्हां दे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मतलब कि है ना उन्हां दी देखरेख वास्ते कोई फंड जारी किया जाता है जिस दिन नू विश्व युद्ध अनाथ दिवस दे वजो सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, 6 जनवरी नू बनाया जाता है, याद रखो। इस तो अलावा नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, लोसर नामक एक त्यौहार है वह कि यूनियन टेरेटरी विच मनाया जाता है? तो लद्दाख में लोसर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके,